एवरीवन, दिस इज मीशा। वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो गाइस, आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और सारे भाई फिट होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करने वाले आर्मरेस्ट को। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी अलग होने वाली है। जैसे कि टाइटल हमने आपने देखा होगा, आज हम करने वाले हैं गिव अवे, जिस इसको आज हम इंस्टॉल करेंगे। तो भाई, आप सबको पता होगा अपनी गाड़ी में जो अभी तक दो आर्मरेस्ट लग चुके हैं, उसमें से एक तो भाई ख़राब हो गया था जो अपना प्लास्टिक वाला था, और जो दूसरा वुडन वाला मैंने लगाया था वो अभी तक चल रहा है और बहुत अच्छा उसका रिस्पांस है। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए थोड़ा सा अलग वाला आर्मरेस्ट लेके आया हूँ। ओवरऑल मतलब उसमें लुक अच्छा मिल जाता है, स्पेस अच्छी मिल जाती है और फिटिंग का भी उसमें कोई ऐसा ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते बिना किसी देरी के। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट आप थोड़ा वेट करिए, क्या पता ये प्रोडक्ट आपको मिल जाए। दोस्तों, यहाँ पे हम गिव अवे की बात करने से पहले मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट की MRP है अप्रॉक्स 1300 की है। तो हम ऐसा करेंगे कि आज से ठीक मैं 2 वीक्स का आपसे टाइम मांगता हूँ। 2 वीक्स के बाद हम इस गिव अवे का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर करेंगे, और आज अपनी जो है 11 है, तो आप कह सकते हो 25 को आपको जो वीडियो है वो डिलीवर कर दूंगा, और उस वीडियो में जो होगा रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको आर्मरेस्ट नहीं चाहिए, उसके बदले कोई और प्रोडक्ट चाहते हैं जिसकी कॉस्टिंग 1300 के बीच में रहेगी, वो भी हम आपको डिलीवर करा देंगे। या फिर अगर आप चाहते हो तो आपको मनी भी मिल सकती है, जो 1300 रुपीज़ एक अमाउंट होगा वो भी आपको मिल जाएगा, और वो आप पेटीएम के थ्रू ले सकते हैं, फ़ोनपे के थ्रू ले सकते हैं, मतलब सारे ऑप्शन हैं, अकाउंट में भी आप ले सकते हैं अपने। दोस्तों, यहाँ पे हमने गिव अवे से रिलेटेड कुछ बातें कर ली हैं, अभी एक चीज़ बचती है कि हम इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, वीडियो के एंड में आपको अच्छे से बताऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी इंजॉय करिए आप, और उसको फिट करते हैं अपनी गाड़ी में। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पुराना वाला आर्मरेस्ट है और बहुत अच्छा वर्क कर रहा है अभी भी, ठीक है, कोई इसमें इशू नहीं है। बस थोड़ा सा जो ऊपर का कुशन है कभी कभी हिलता है, पर वो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता। जब हम हाथ रखते हैं तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लगता है। अब गाइज, यहाँ पे क्या था ना, इसमें कोई भी ड्रिल करने की जरूरत नहीं थी, आराम से फिट हो गया था, खाली फंसा रखा हमने इसे। पर इसकी भी डिसएडवांटेज ये है कि जब हम सीट आगे पीछे करते हैं तो यहाँ से टकराता है, तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है, बाकी इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, जब हम हैंड ब्रेक भी नीचे करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं आती, इतना तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है एडजस्ट। अब इसको हम हटाएंगे और जो हमारा नया वाला आर्मरेस्ट है उसे कैसे फिट करता हूँ आपको दिखा देता हूँ। तो इसे हटाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है गाइस, ये सीधे आपका ऐसे निकल जाएगा बाहर को। यहाँ पे स्पेस बचती है अपनी, पहले भी मैंने यहाँ पे जो है आर्मरेस्ट फिट करे थे, जैसे कि आप यहाँ पे होल्स देख सकते हैं ना, तो ये पहले मैंने फिट करा था इसलिए यहाँ पे होल्स दिख जाएंगे। अभी भी सेम हम इसी कंसोल पे फिट करेंगे। सबसे पहले गाइस हम इसको निकाल लेते हैं, जो हमारा पूरा सेंटर कंसोल है ना, तो इसको निकालना भी बहुत ज्यादा सिंपल है, बट आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये वाला पैनल खोलना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दो नट्स मिल जाते हैं साइड साइड में, एक तो यहाँ पे नट होता है, ठीक है, और एक नट यहाँ पे होता है, तो इसे खोलना पड़ेगा। पूरा नहीं खोलेंगे, सिर्फ थोड़ा सा इसे उठा देंगे, तो जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे एक नट होता है ना एक्चुअली, तो वो नट को हमें खोलना पड़ेगा। तो चलिए एक बार मैं इसे पूरा खोल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका पूरा दिखाऊंगा कि हम कैसे फिट करेंगे। और हाँ भाई, यहाँ पे ना पीछे क्लिप्स लगी होती हैं दो, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, जब आप निकालोगे तो क्लिप्स जरूर खोल लेना। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। तो इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में लिखी गई हैं कि कैसे कैसे आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे आपको इंस्टॉल करना है, और पीछे यहाँ पे आप देख सकते हैं फीचर्स वगैरह लिखे हैं, नोट सब कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं अच्छे से इस वीडियो को पॉज करके। तो चलिए इसको खोलते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का हमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है। तो मेरे वाले डिज़ाइन से मुझे ऐसा लग रहा है कि पतला है, और बाकी अगर आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको स्पेसिंग मिल जाती है,
ठीक है, इसके जो मेन यहाँ पे जो है ना इसके क्लैम्प जैसे हैं उसको लगाने के लिए, और क्लैम्प्स भी हमें इसके साथ 4 क्लैम्प्स मिल जाते हैं जो पूरी अच्छे से फिटिंग करने में हेल्प करेंगे हमारी। और उसके साथ हमें इसके कुछ नट्स भी मिल जाते हैं जिसे हम फिट करेंगे और ये हमारी गाड़ी में आराम से फिट हो जाएगा। बाकी अगर हम क्वालिटी की बात करें तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम आपको प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ऐसा लग रहा है कि मेटल का पार्ट है, बट मैं आपको बताऊँ ये भी प्लास्टिक। और अगर हम स्पेस की बात करें तो इसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिल जाती है जैसे हमारे वाले मिलती है। इसके अंदर ज़्यादा कोई सामान तो आ नहीं सकता, सिर्फ एक मोबाइल वगैरह आप रख सकते हैं आराम से इसके अंदर। बाकी जो पतली चीज़ें हैं ना वो आ सकती हैं, जैसे हमारे वाला थोड़ा डीप है तो उसके अंदर और ये भी आ सकते हैं, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, रखने को इसमें भी रख सकते हैं, पर शायद से उतने अच्छे से फिटिंग ना आए। तो अभी देखेंगे सब कुछ अच्छे से रख के कि कैसा है, सब कुछ वर्क कर रहा है। फिलहाल अगर हम इसके कुशन की बात करें तो कुशन इसका काफ़ी सही है, तो हमारे वाले से इसका कुशन अच्छा है जो हमने लगा रखा ना हमारे, उससे अच्छा कुशन मुझे इसका लग रहा है। थोड़ा प्रीमियम फील आ रहा है इसको देखने में और लुक वाइज भी भाई बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर हम यहाँ पे क्लैम्प्स की बात करें तो भाई ये जो क्लैम्प्स हैं ये आपको अपने सेंटर कंसोल को एडजस्ट करके इसमें फिट करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बार उसका साइज़ जो है वो आप देख लीजिएगा तभी इसमें लगाइएगा। एक बार मैं आपको अपना सेंटर कंसोल दिखाता हूँ, ये हमारा सेंटर कंसोल है गाड़ी का, तो इसका साइज़ के हिसाब से हम इसके अंदर फिटिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ना यहाँ यहाँ पे स्पेसेस हैं तो वो अच्छे से फिट हो जाएगा। क्लैम्प्स फिट कर लेते हैं, तो इसके क्लैम कुछ इस टाइप से फिट होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम इसमें नट टाइट कर लेंगे, वो अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा कि हमें कितनी हाइट चाहिए, और जैसे हम इसे यहाँ पे फिट करेंगे फिर यहाँ से नट कस लेंगे अपने जो सेंटर कंसोल है ना उसमें। देखिए आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट तो हमने इंस्टॉल कर लिया है यहाँ पे, बट एक चीज़ की मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, शायद से इसे ड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो अभी ना उतने अच्छे से यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत इसमें अभी भी शेक आ रहा है क्योंकि हमने इसमें नट नहीं कसे नीचे पे। तो ऐसा करते हैं कि एक बार सेंट्रल कंसोल में नट कस लेते हैं और फिर इसको फिट करके देंगे कैसा वर्क करें, क्योंकि अभी जो है ना हल्का हल्का से इसमें शेक आ रहा है, कितनी चाहे कितनी अच्छी फिटिंग कर ली हमने बट फिर भी शेक वगैरह तो इसमें आ रहा है। तो एक बार ऐसा करते हैं कि इसको नीचे जो सेंटर कंसोल है ना उसमें नट कस के देख लेते हैं, क्या पता और अच्छी फिटिंग आ जाए। A few minutes later. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इसे कम्प्लीटली इंस्टॉल कर लिया और अब इसकी फिटिंग एक बार आप चेक करिए, बहुत अच्छी हो चुकी है। जैसे पहले हमारा था ना बहुत ज़्यादा शेक कर रहा था, जैसे हाथ रख रहे थे तो पूरा हिल रहा था, बट अब वैसा इसमें बिल्कुल भी नहीं हो रहा है क्योंकि नीचे पे जो है ना हमने इसमें नट कस लिया अपने सेंटर कंसोल के हिसाब से, क्योंकि भाई जिसमें ये कसा है ना नीचे वाला सेंटर कंसोल जो है वो भी प्लास्टिक का इस गाड़ी का, तो थोड़ा बहुत शेक तो आता ही है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है वर्क कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको लुक के लिए चाहिए तो आप डेफिनेटली इसमें जा सकते हैं। और स्पेसिंग की अगर हम बात करें यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादा स्पेस तो नहीं मिलती है, बट हाँ एक डिसेंट स्पेस आपको मिल जाएगी जिसमें आप अपना मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, वॉलेट वगैरह भी आ सकता है यहाँ यहाँ पे, थोड़ा यहाँ यहाँ पे डीप है और जैसे आप ऊपर जाएंगे ना स्पेस जो है वो कम होती जाएगी। बाकी अगर हम कुशन की बात करें तो कुशन इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जैसे आप देख सकते हैं पूरा हाथ को सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी अच्छा भी लगा जब हम गियर शिफ्टिंग करेंगे तो शिफ्टिंग में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, और हाँ थोड़ा सा हैंड ब्रेक में आपको जब यूज़ करना होगा ना तो आपको थोड़ा ऐसे ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि हैंड ब्रेक जो है इसके नीचे आ जा रहा है काफ़ी। ये देखो भाई हम सीट आगे पीछे करने की बात करें तो सीट जो है भाई बिना किसी दिक्कत के, ये देखो भाई आगे पीछे आराम से हो रही है, कोई इशू नहीं आ रहा है सीट को आगे पीछे करने में। तो दोस्तों आपको कमेंट सेक्शन में जाकर एक
कमेंट करना है बस, और दैट्स इट। क्योंकि उसके बाद मैं अप्रॉक्स 24 की शाम को जो कमेंट पिकर होता है ना, उससे आपका कमेंट सिलेक्ट करूँगा। उसमें आप अपने थॉट्स वगैरह जो भी देना चाहें, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं, और जो रिजल्ट है वो आपको 25 की मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा 9 बजे करके। तो गाइज होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसी अगली मजेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसको अगर आपको लेना होगा आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा।